शुएब अख्तर भी खामोश ना रह सके। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे शुएब अख्तर भी बाबर आजम के ऊपर बरस पड़े। शुएब अख्तर का कहना है कि बाबर आजम को चाहिए कि उन्होंने गलत कमेटी के साथ रहकर सिलेक्शन किया है, जिसमें हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर आपको विकेट नहीं लेने में कामयाब हो सकते, क्योंकि वो विकेट लेने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा है शहनशाह अफरीदी अच्छे थे लेकिन आरएसएफ और नसीम शाह ही इस टीम का एक हिस्सा थे। लेकिन यहाँ पर बहुत बुरी तरह तनकीद करने में नज़र आ रहे हैं कि सिर्फ 14 रन से पाकिस्तान की टीम दूसरा वार्म अप मैच हारने के बाद शुएब अख्तर ने जो है वो तनकीद करना शुरू कर दिया बाबर आजम के ऊपर। लेकिन बाबर आजम को कह रहे हैं कि मुझे कन्फिडेंस है कि मैं एक अच्छे तरीके से टीम को लेकर चला हूँ और उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप जीत कर आएंगे। तो लेकिन यहाँ पर शुएब अख्तर का कहना है कि ये वर्ल्ड कप जीत कर आना बहुत मुश्किल लग रहा है, ये तो तमाम मैचेस में से एक दो मैच ही जीत पाएंगे, बाकी मैचेस हारेंगे, बस दवाओं पर छोड़ दो, देखते हैं कि बाबर आजम क्या रद्दे अमल देते हैं। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट में अपनी राय लाजमी बताएं।